दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम की वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम्स को लेकर के अपडेट चाह रहे हैं। इससे पहले मैं मिलाता हूँ अपने सालों से, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मेरे साले कैसे आए है। देख, एगो साला पाछा से आया है, एगो यहाँ पे है, देख सकते है। यहाँ देखिए, ये इसका नाम हिमांशु, ये छोटे वाला, ये धीरज, ये बड़े वाला, और एक साला नुका गया, अश्विनी नाम था इसका। चूंकि मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, और कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो यह कहते हैं कि पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम एक साथ लिए जाएंगे। इस पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर ही है, उन्होंने कह रहा है कि सर अब लगता है कि पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम एक साथ नहीं लिए जाएंगे। और मैंने भी कुछ ऐसे यूट्यूबरों के वीडियो देखे थे, महीना दो महीना छः महीना पहले उन्होंने बताया था कि डिग्री पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम्स एक साथ लिए जाएंगे। क्या यह सत्य है, इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक न्यूज के लिए आपको यही चैनल बेस्ट रहेंगे। इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए कोई भी डिसीजन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय डिग्री पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम एक साथ लेगी या नहीं लेगी। ये हम पर तो निर्भर नहीं करता है, वो तो विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि वो डिग्री पार्ट थ्री के और पार्ट वन के एग्जाम एक साथ लेने में सक्षम है या नहीं है। भाई पहली बार जब डिग्री पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम लिया गया एक साथ, तो उसमें कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम भी छूट गया, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पार्ट वन की एग्जाम भी उसी तिथि को और पार्ट थ्री के एग्जाम भी उसी तिथि को हुआ, तो उस बीच उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, तो यही हो सकता है। साथ में वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट सोचा गया था कि जल्द से जल्द दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैंडिडेट का रिजल्ट एनिवर्सरी मन गया, एक साल बाद हम देख रहे हैं कि डिग्री पार्ट वन के रिजल्ट आया, तो ऐसा होगा तो क्या वो मैनेजमेंट सक्षम है या नहीं है, ये हम पर निर्भर नहीं करता है कि हम कह दे कि पार्ट वन और पार्ट थ्री का एग्जाम एक साथ लिए जाएंगे और विश्वविद्यालय लेंगे ही नहीं। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट पर निर्भर करते हैं कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। हम लोगों का काम है पढ़ाई करना, जब हम अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में भी अच्छे नहीं लिख पाएंगे, जब अच्छे नहीं लिख पाएंगे तो परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। चाहे हम पार्ट वन के हैं या पार्ट टू के हैं या पार्ट थ्री के हैं, एग्जाम की अच्छी से तैयारी करिए, और तैयारी के लिए रेखा प्रकाशन के गेस पेपर बेस्ट माने जाते हैं। तो आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन गेस पेपर मिल जाएंगे, उस गेस पेपर में आपको प्रीवियस जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इंक्लूड है, उसका आंसर भी इंक्लूड है, और इस बार के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन गैस पेपर नहीं मिल रहा है तो प्रकाशन वाले का नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूँ, आप उनसे कांटेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। बाकी विश्वविद्यालय की तरफ से इस बात को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इसीलिए आप लोगों को गलत अफवाहों से दूर रहना है, और जो सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को देते ही रहूंगा।